पूरा आतंकवादी महसूस हुई और उन्हें इस तरह का ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस पूरा सहयोग कर रही है इसमें। वो हमारी किसी एक स्थान पर आज से कुछ समय पहले सब्जी और फूड का काम करता था। गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी में एक राजकुमार नामक व्यक्ति ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक ने एक 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है और अपनी मौत का जिम्मेदार एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष यादव सहित 2 युवकों को ठहराया है। जिस मामले में गुरुग्राम सेक्टर 9 थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के हवाले करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। अपने ऑफिस से बुला के उनसे बदतमीजी की है, ज़्यादा से सब का डराया धमकाया है। और ये क्योंकि ये जो मनीष यादव जो बताया जा रहा है, ये बासु विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़े हैं और अच्छी पहुंच वाले हैं। अच्छा। जिसने इनको डराया धमकाया, उनको ये कहा है कि मेरे स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरी अच्छी जान पहचान है, जैसे इन्होंने असूल जी आपके सामने बताया ये, तो इससे उनको इतना टॉर्चर किया गया, ज़्यादा से सब गए गए उससे परेशान होकर उन्होंने आत्मग्लानी महसूस हुई और उन्हें इस तरह का ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस पूरा सहयोग कर रही है इसमें। पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी किया है और भी इसमें धारा लगाई है। अभी एफ आई आर बताएंगे आपको, जिसमें ACP मनोज कुमार जी इसकी जाँच कर रहे हैं। ये 306/34 IPS ये सब किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने भाजपा नेता मनीष यादव से इस बारे में बात की तो मनीष यादव ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं आज तक ना तो मृतक राजकुमार नाम के व्यक्ति से मिला हूँ और ना ही मैं राजकुमार को जानता हूँ। हाँ, लेकिन जब मैंने अपनी टीम से पूछा तो उन्होंने बताया करीब 2 साल पहले मेरी एक जगह पर फल और सब्जी की रेहड़ी मृतक जरूर लगाता था और 2 साल पहले ही वो यहां से चला गया था, जिसके बारे में मुझे ऑफिस के लोगों से पता चला कि वह शराब पीता था और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है तो उसको वहां से हटवा दिया गया था। मनीष यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए जिला प्रशासन को एक लिखित पत्र देने की बात कहते हुए सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराने का आग्रह भी किया है। मुझे मीडिया के माध्यम से इस मामले की जानकारी पता लगी और उसके बाद उस नाम के किसी व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत जानता नहीं, तो मैंने जो उसकी जानकारी के बाद मुझे पता लगा कि वो हमारी किसी एक स्थान पर आज से कुछ समय पहले सब्जी और फ्रूट का काम करता था, तो मैंने अपनी ऑफिस की टीम से पता किया कि भाई इस नाम के किसी व्यक्ति को हम जानते हैं क्या, या हमारे यहाँ कोई टेनेंट है क्या, या किसी ने हमने किसी को जगह दी हो। तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पर आज से 2 साल पहले राजकुमार, उसको राजू के नाम से जानते हैं, वो किसी के माध्यम से आया था और सहायता के रूप में हमने उसको निशुल्क अपनी जगह दी थी कि वो 2 पैसे का काम कर सके और उसके रोजी रोटी चल सके, लेकिन उसके व्यक्तिगत व्यवहार के कारण से और शराब पीने की आदत के कारण से, वहाँ पर लोगों को परेशानी होने के कारण से ऑफिस स्टाफ ने उनको कहा कि भाई आप इस व्यवहार से यहाँ काम नहीं कर पाओगे तो आप किसी अन्य स्थान पर अपनी जगह देख लीजिए। और वो बहुत खुश जाकर किसी जगह और अन्य स्थान पर उसने अपना काम शुरू कर दिया। जहाँ तक मेरी बात है, उस व्यक्ति से ना मैं कभी मिला हूँ, ना मेरी उससे कभी बात हुई है, ना उससे मेरा व्यक्तिगत कोई संपर्क है। तो ये जो मामला है ये कम्प्लीटली निराधार है, इस पूरे मसले का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये पूरा व्यवहार मसला चल रहा है, मुझे लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसके पीछे किसी व्यक्ति का अपना हित है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी परिवार के प्रति संवेदना है, जो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है उनके प्रति मेरी संवेदना है, और ये जो सारा मसला है इस पूरे मसले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैंने लिखित रूप में प्रशासन को इस बात का आग्रह भी करने वाला हूँ कि इस पूरे जो ये नोट है इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस बात का फैसला होगा कि 6 पन्नों के सुसाइड नोट में कितनी सच्चाई है और बीजेपी नेता की कथनी और करनी में कोई फर्क तो नहीं है। हालांकि इन सभी बातों का खुलासा तो पुलिस जांच के दौरान ही होगा, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान क्या सच्चाई सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।